Next, fourth question. Take three test tubes. Fill 3/4 of each with water. Label them A, B, and C. Keep a snail in test tube A, a water plant in test tube B, and in C, keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? Answer. Living organisms use oxygen and release CO2 during respiration. Test tube A will have the highest concentration of CO2 because the snail breathes in oxygen and breathes out CO2. Test tube B and C. Test tube B contains a water plant. This plant takes in carbon dioxide for photosynthesis and gives out oxygen. Thus, the concentration of oxygen will be more in test tube B. In test tube C, both the water plant and the snail is kept. Snail releases carbon dioxide, which gets used up by the plant. Hence, less CO2 concentration than tube A. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, एक A है, एक B है और एक C है। तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने 3/4 तक वाटर को डाल दिया है। अब हमने एक टेस्ट ट्यूब में एक स्नेल को रखा है, बी टेस्ट ट्यूब में हमने एक वाटर प्लांट को रखा है और सी में हमने वाटर प्लांट और स्नेल दोनों को रखा है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि किस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब आंसर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। टेस्ट ट्यूब ए में स्नेल है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब स्नेल रेस्पिरेशन करता है तो वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। टेस्ट ट्यूब बी में देखें तो टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ वाटर प्लांट है। जो वाटर प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है और गिव्स अप ऑक्सीजन, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है टेस्ट ट्यूब बी में ज्यादा होगी। जब हम सी की बात करते हैं तो इसमें स्नेल भी है और वाटर प्लांट भी है। स्नेल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है जो कि वाटर प्लांट के द्वारा इनहेल कर ली जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ट्यूब सी में वो ए की अपेक्षा में कम होगी। इसलिए हम अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि टेस्ट ट्यूब ए में क्योंकि स्नेल ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थी, इसलिए उस टेस्ट ट्यूब में ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू 1 लंग्स, 2 गिल्स, 3 स्पाइरिकल्स, 4 स्किन। सो आंसर इज स्पाइरिकल्स। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। दीस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। एयर एंटर्स थ्रू स्पाइरिकल्स इन कॉकरोचेस। 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स इज प्रेजेंट इन कॉकरोच। देयर इज नो रोल ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेशन। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि आपने करेक्ट आंसर को टिक करना है कि कॉकरोच में जो एयर एंटर होती है उसकी बॉडी में वो किसके द्वारा एंटर होती है। आंसर है स्पाइरिकल्स के द्वारा। जो कॉकरोच होते हैं उनकी बॉडी की साइड्स पर एक छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसको स्पाइरिकल्स कहते हैं और इन्हीं स्पाइरिकल्स के थ्रू कॉकरोच की बॉडी में एयर जो है एंटर करती है। स्पाइरिकल्स की कितनी काउंटिंग होती है, ईच कॉकरोच में 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लड इस रेस्पिरेशन में कॉकरोच के केस में जो रेस्पिरेशन होती है उसमें ब्लड का कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 लैक्टिक एसिड, 3 अल्कोहल और 4th है वाटर। सो आंसर इज लैक्टिक एसिड। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट मसल क्रैम्प्स इन द लेग्स। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स एस्पायर एनएरोबिकली। The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी लेग्स में क्रैम्प्स हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं, मसल के सेल्स हैं,
वो एनएरोबिकली, एनएरोबिकली का मीनिंग है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पायर करते हैं। और जब जो मसल्स हैं एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं तो उस केस में ग्लूकोस है वो पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता। और पार्शियल ब्रेकडाउन होने के कारण ग्लूकोस जो है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और इन लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन के कारण ही हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। इन क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए हम हॉट वाटर में बैथ ले सकते हैं या मसाज कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज नंबर 1 9 to 12, नंबर 2 15 to 18, नंबर 3 21 to 24, और फोर्थ इज 30 to 33। सो आंसर इज 15 to 18। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। द एवरेज एडल्ट नॉर्मली टेक्स बिटवीन 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक जो एवरेज अडल्ट पर्सन है उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग क्या है, वो कितनी बार 1 मिनट में सांस अंदर खींचता है या बाहर निकालता है। तो हमारा आंसर है 15 to 18। अगर हम रेस्ट पर हैं, कोई भी अडल्ट ह्यूमन बींग रेस्ट पर है, तो वो आमतौर पर 15 से 18 टाइम्स 1 मिनट में ब्रीदिंग करता है। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो ये ब्रीदिंग रेट बढ़कर 25 टाइम्स पर मिनट भी हो सकता है। जो एवरेज अडल्ट पर्सन है वो आमतौर पर नॉर्मली 12 to 20 टाइम ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स नंबर 1 मूव आउटवर्ड्स, मूव डाउनवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स, डू नॉट मूव एट ऑल। सो आंसर इज मूव डाउनवर्ड्स। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। ड्यूरिंग एक्सोलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजिशन। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन का मीनिंग है कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो रिब्स का क्या होता है, वो रिब्स जो होती हैं वे मूव डाउनवर्ड। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। इस मूवमेंट के कारण हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस इंक्रीज हो जाती है और जो हवा है, एयर है, वो रशेस इनटू द लंग्स, जो लंग्स में हवा भर जाती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है तो रिब्स जो होती है वो हमारी मूव डाउन करती हैं और इनवर्ड को मूव करती हैं, और साथ ही साथ में डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, अपनी पहली पोजीशन पर डायफ्राम आ जाता है। इससे चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है और एयर हमारे लंग से बाहर निकल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course. Thanks.